हरिओम। पिछले एपिसोड में हमने पैरों के सारे जॉइंट्स के एक्सरसाइजेस और हाथों के जॉइंट्स के एक्सरसाइजेस बताए थे। अब नेक मूवमेंट्स बता रहे हैं और इसके बाद पवन मुक्तासन सीरीज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट नेक एक्सरसाइजेस के 4 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज, सांस लेते हुए धीरे धीरे सिर को पीछे की ओर झुकाइए और जहाँ आपको गर्दन में तनाव मिले उस स्थान पर रुक जाइए। ज़बरदस्ती आपको खींचना नहीं है। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को सामने की ओर झुकाएं। चिन चेस्ट से टच हो इतना झुकाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जहाँ आपको तनाव मिल रहा है वहाँ पर भी आप रोक सकते हैं, अगर इतना नीचे नहीं झुका सकते तो। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे झुकाइए सांस छोड़ते हुए सामने की ओर गर्दन को झुकाइए। चिन चेस्ट से टच हो इतना आपको सिर को नीचे झुकाना है। रिलैक्स, धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस ऊपर। सेकेंड स्टेज है, पूरी सांस भरिए, गले तक सांस को भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को राइट कंधे की ओर झुकाएं। कान कंधे से टच हो ऐसा कोशिश कीजिए। अपनी क्षमता से अधिक आपको नहीं झुकाना है। जहां आपको तनाव मिले वहां रुकिए। तनाव वाले स्थान पर ध्यान लगाइए, वहां प्राण शक्ति को फील कीजिए और फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए सिर को नॉर्मल स्थिति में लाइए। पूरी श्वास और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को लेफ्ट कंधे की ओर झुकाइए। कान कंधे से, लेफ्ट ईयर आपका कंधे से टच हो ऐसे कोशिश करें। जहाँ तनाव मिले वहाँ रुकिए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, गले तक श्वास को भरिए। श्वास छोड़ते हुए राइट कंधे की तरफ सिर को झुकाइए। फिर सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए लेफ्ट कंधे की ओर झुकाएं। सांस लेते हुए ऊपर, रिलैक्स। अब थर्ड स्टेज, धीरे धीरे पूरी सांस गले तक भरिए और सांस छोड़ते हुए दाहिनी ओर अपने सिर को घुमाइए। हाफ सर्कल, आपकी चिन राइट कंधे के लेवल पे हो। फिर वापस सांस लेते हुए आए। छोड़ते हुए लेफ्ट,
जहाँ भी आपको तनाव मिल रहा है वहाँ पर रुकें। फिर सांस लेते हुए वापस छोड़ते हुए राइट, फिर लेते हुए वापस छोड़ते हुए लेफ्ट, लेते हुए वापस रिलैक्स। चौथी स्टेज, पूरी श्वास भरे गले तक और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को नीचे झुकाएं, चिन चेस्ट से टच हो इतना नीचे झुकाइए। अब गोल घुमाना शुरू कीजिए राइट साइड से, राइट कंधे की ओर से। धीरे धीरे सांस लेते हुए पीछे ले जाइए, बिल्कुल गोल घुमाना है। और लेफ्ट कंधे की तरफ लेके आइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस नीचे ले आए। फिर सांस लेते हुए राइट साइड से गोल घुमाना शुरू कीजिए, पीछे ले जाए, पूरा पीछे गर्दन को लेके जाए। और लेफ्ट कंधे की ओर से सांस छोड़ते हुए सामने, फिर इसी को एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट कंधे की तरफ से शुरू करें। सांस लेते हुए पीछे गर्दन को झुकाइए, और राइट साइड से राइट कंधे की तरफ से सांस छोड़ते हुए सामने लाए। फिर सांस लेते हुए लेफ्ट साइड से पीछे गोल घुमाते हुए लेके जाएं। बिल्कुल पीछे झुकाएं। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए राइट साइड से फिर सामने रिलैक्स रिलैक्स। इसी तरह आपको ये सारे अभ्यास 5 to 10 times करना है। यह अभ्यास उन लोगों को नहीं करना है जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है या जिनको सीवियर नेक का प्रॉब्लम है, नेक कंडीशन है, और वर्टिगो है, उनको नहीं करना है। लो ब्लड प्रेशर वालों को या बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर वालों को भी यह अभ्यास नहीं करना है। और अगर करना है तो किसी इंस्ट्रक्टर के निरीक्षण में ही करना है।
यह नेक की स्टिफनेस को दूर करता है। और बहुत ज़्यादा जो टेबल डेस्क वर्क करते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो अब पवन मुक्तासन सीरीज़ के सारे अभ्यास समाप्त हुए। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में नए अभ्यासों के साथ मिलते हैं। हरिओम।